और मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगी और जब आप लोग कहोगे मैं बंद कर दूंगी। पर मैं एक ऐसी अनूठी यात्रा पर ले चल रही हूँ आपको, जहाँ पे एक थे अब मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, एल्गोरिथम के ये फादर हैं। और ये कब की बात है, 8वीं सेंचुरी में। हमें ये बताया गया कि 8वीं सेंचुरी में इन्होंने अलजेब्रा डिस्कवर करा, परंतु पता नहीं लगा बाद में कि इन्होंने बहुत सारी संस्कृत की पुस्तकें अरबिक में ट्रांसलेट करी। तो 8th सेंचुरी, आज हम कहाँ हैं, 21st सेंचुरी में, और मैं कहाँ ले गई हूँ आपको, 8वीं सेंचुरी में। तो 8वीं सेंचुरी में पता लगा कि सारा अरबिक वर्ल्ड बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो उधर क्या हुआ, यूरोपियन वर्ल्ड अपने आप को पीछे महसूस करने लगा। वो समझ गए कि ये जो सारा ज्ञान है ये अरबिक बुक्स में आया है, पर कहाँ से आया, कहाँ से आया, कौन बताएगा मुझे। अच्छा, इसको यहीं रखते हैं। तो यूरोपियन वर्ल्ड ने 14th सेंचुरी में यही सारी पुस्तकों को अरबिक से अपनी अपनी लैंग्वेजेस, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन में ट्रांसलेट करी। तो अब यूरोपियन वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का रेनेसांस आ गया, वहाँ पे इस कदर टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई कि यूरोपियन क्रिश्चियन वर्ल्ड अरबिक वर्ल्ड से आगे बढ़ गए। पर हुआ क्या, जब अध्ययन किया गया तो पता लगा कि इन सब का सोर्स कहाँ था, हमारे संस्कृत की पुस्तकों में, हमारे गुरुकुलों से निकल के ये ज्ञान पहले अरब लोग ले गए, उसके बाद वही ज्ञान यूरोप चला गया। और जहाँ जहाँ ये ज्ञान की गंगा बही, वो लोग भारत पर आक्रमण करने आए। तो पहले सारे अरब्स आए और उसके बाद सारा यूरोपियन वर्ल्ड आया और उन्होंने हमको कॉलोनाइज करा, है ना। तो ये इस बात को एक तरफ रखते हैं। अब किस किस ने मैकॉले का नाम सुना है, मैकॉले का नाम सुना है, किसी ने भी नहीं सुना। अच्छा, तो अब हम 18th सेंचुरी में आते हैं। 1835 में एक थे मैकॉले, हम पे किसने राज्य किया था, हमारे अंग्रेजों ने। तो ये मैकॉले पहुंचे यूके के पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में। उन्होंने 1835 में एक टॉक दी, उन्होंने अपने अंग्रेजी सरकार को बताया कि कैसे ये इतना बड़ा देश है और कैसे यहाँ पे इस कदर गुरुकुल चलते हैं, और अगर हमें इन पे राज्य करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके सिस्टम को नष्ट करना होगा और हमें अपना अंग्रेजी सिस्टम यहाँ पे लागू करना होगा। तो 1835 में ये हुआ, अंग्रेजी हुकूमत ने ये बात मान ली और रातों रात संस्कृत को खत्म किया गया, रातों रात सारे गुरुकुलों को नष्ट किया गया और अंग्रेजी हम पे थोप दी गई। और जब अंग्रेजी थोपी तो मात्र 100-150 वर्षों में जो भारत की GDP पहले 18-20% थी, जब ये अंग्रेज भागे यहाँ से भारत की GDP रह गई 2%, और जो इंग्लैंड की GDP 1% थी वो 100-150 सालों में पहुंच गई 18%। जो कुछ मैं बोल रही हूँ आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो जब ऐसे हुआ, मैकॉले ने तो कहा था कि इंग्लिश लगाऊंगा और इंग्लिश की वजह से ये लोग तरक्की करेंगे, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं। 100-150 सालों से हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं, है ना। और वहीं पे चाइना, जापान, फ्रांस, क्या इन लोगों ने इंग्लिश लगाई, बताओ।
नहीं, उन्होंने अपनी ही भाषा में अध्ययन किया और कहां से कहां पहुंच गए। और हमें अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी और हुकूमत अंग्रेजी के जाल में फंसा के चली गई, जैसे आज वो लोग हमें सोशल मीडिया के जाल में फंसा रहे हैं। आप लोगों ने देखा जो नाटिका प्रस्तुत हुई थी, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमसे ट्रेड करने, हमसे व्यापार करने, और अब ये कंपनियां आई हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, परंतु हम इनको विश अवे नहीं कर सकते। आप लोग कोई भी बोर हो रहे हैं, मैं बंद करूं तो जोर से तालियां बजाओ, जोर से। कोई भी अगर बोर हो रहे हैं इमीडिएटली बंद कर दो। तो जब ये कंपनियां आई यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने आई थी, और व्यापार करने के माध्यम से सब कुछ सूद के ले गए, हमें लड़ा गई, भिड़ा गई और सूद के ले गए। और हम कमजोर पड़े क्योंकि हम अपने सनातन धर्म के प्रति सशक्त नहीं थे। अब यहाँ पे जो हम इकट्ठा हैं, जो हमने सरस्वती माता की वंदना की और जो हम अपने सनातन धर्म को से बिलीव करेंगे, हम अंग्रेजों के कहे बातों में नहीं आएंगे, हमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए, हमें गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। और ये जो इंडिया नाम है ना, हम इंडिया नहीं है, हम भारत हैं। और हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है जो महाभारत और वाल्मीकि रामायण से आती है। और हम सबको ये जो गुरुकुलों का जो मैंने वर्णन किया था, जो बीच में रखा, तो गुरुकुल का एक पद्धति थी। गुरुकुल में जब बच्चे एंटर होते थे तो उपनयन संस्कार होता था, एडमिशन टेस्ट होता था। उन्हीं गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का व्रत बच्चों को दिलाया जाता था। उन्हीं गुरुकुलों में ये पहले हॉस्टल थे, पूरे वर्ल्ड के पहले हॉस्टल, जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप का घर छोड़ के गुरुकुल में, गुरु कोई कोई गुरु है, कोई गुरु की लिनियज में रहते थे, बच्चे उनसे शिक्षा लेते थे। तो तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, गुरु, शिष्य और वो आश्रम। और इन गुरुकुलों में 18 से 20 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। आज हम कितने पढ़ते हैं, 5-6। और हमें कोई भी सर्वाइवल स्किल्स नहीं सिखाई जाती है। अगर कहीं खो जाए तो घर कैसे पहुंचोगे, हमें नहीं पता। पेड़ पौधे कौन से हैं, उनका क्या उपयोग है, हमें नहीं पता। किस तरीके से अपना जीवन, सेल्फ डिफेंस, हमें नहीं पता। परंतु अब वो गुरु को लौट के तो नहीं आ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो शिक्षा यहाँ पे आपको दी जा रही है, उसके अलावा उसके अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण कर, बुक्स के माध्यम से, ऑडियो बुक्स के माध्यम से, अलग अलग कोर्सेस के माध्यम से। ये जो समय आपको मिला है बचपन का, कभी लौट के नहीं आता। हम बड़ों से पूछ लीजिए, हम जितना मर्जी चाहें ये समय वापस नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जाल में मत उलझिए, उसे यूज करिए और अपने जीवन को सशक्त बनाइए। अलग अलग कोर्सेस करिए, ऑनलाइन की दुनिया खुली है, अलग अलग कोर्सेस करिए, अलग अलग स्किल्स करिए, अलग अलग चीजों में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए, अपने शिक्षकों का सम्मान करिए। इन शिक्षकों की वजह से आप हैं, और ये लोग सिर्फ आपको क्लासरूम की शिक्षा नहीं, जीवन की शिक्षा दे सकते हैं, इनके अनुभव से सीखिए। तो आज मेरे इस छोटे से टॉक से पांच पॉइंट क्या हो सकते हैं जिन्हें आप घर लेके जाए। पांच पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले अपने गुरुकुल की लर्निंग से, और आपको पता है गुरुकुल में कौन कौन जाते थे, कृष्ण, राम, आर्यभट्ट, पाणिनि, वराहमिहिर, चाणक्य ऋषि, सारे कौरव, सारे पांडव, ये सब गुरुकुल में पढ़ते थे। और वहाँ पे अमीर या गरीब कोई नहीं होता था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नदी का स्नान करके फिर योगा करते थे,
सूर्य नमस्कार करते थे, उसके बाद कक्षाएं रखती थी 7 से 11।